मालकी अधिकार पट्टे भूखंड वितरण प्रस्ताव 4 वर्षों से पूरा नहीं होने पर बसपा आक्रोशित हुई है। बहुजन समाज पक्ष के हिंगना विधानसभा प्रमुख प्रणय मिश्रा, शहर अध्यक्ष राहुल सोनटक के व नगर सेवक नरेंद्र मेंटे ने एक निवेदन जारी कर जानकारी दी कि वाड़ी नगर परिषद हद्दी में गत 40 साल से गरीब व शोषित जनता डॉक्टर आम्बेडकर नगर, गौतम नगर, इंदिरा नगर इत्यादि ठिकान के शासकीय जगह पर निवास करती है। शासन निर्णय अनुसार पूरे राज्य में इन भूखंडों का मालकी हक प्रदान किया जा रहा है। इस धोरण के तहत वाड़ी नगर परिषद बसपा नगर सेवकों ने 2015 से 16 को नगर परिषद की सभा में डॉक्टर आम्बेडकर नगर, गौतम नगर आदि दलित वसाहत में पट्टे वितरण का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे मान्यता व कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी भूमि अभिलेख कार्यालय के मार्फत शासन की ओर से प्रस्तुत करना आवश्यक था। बसपा नगर सेवक व पदाधिकारी के अनुसार 4 वर्ष पश्चात भी कुछ कार्यवाही नहीं होने से लाभार्थी नागरिक व पदाधिकारी नगर सेवकों में ये चिंता निर्माण हुई। इस संदर्भ में बसपा ने वाड़ी नगर परिषद के मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे लाल से भेंट कर स्थिति व कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की तो इस प्रस्ताव की फाइल ही नगर परिषद में उपलब्ध नजर नहीं आई। इस जानकारी से तीव्र असंतोष निर्माण हुआ। मुख्याधिकारी ने जांच व कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस संदर्भ में अधिक ध्यान देकर माहिती देने के लिए बसपा अधिकारी गौतम मिश्रा, बसपा पदाधिकारी गौतम मिश्रा, अमित तावड़े, सुधाकर सोनपिंपड़े, वीरेंद्र कांबसे, मनीष रामटेके के राष्ट्रपाल वाघमारे ने संतप्त होकर बताया कि गत 4 वर्ष से पट्टे वितरण नहीं होने से वाड़ी परिसर के 1000 गरीब नागरिक केंद्र व राज्य सरकार के अनेक सामाजिक योजनाओं से वंचित है। स्थिति को देखते हुए बसपा नेताओं ने भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारी की ओर संपर्क किया तो पता चला कि यह कार्य राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति के संस्था को सौंपा गया था। उन्होंने ही यह प्रस्ताव फाइल अपने पास रखी पर जमीन की गिनती का कार्य पूरा नहीं किया तथा वरिष्ठ कार्यालय की ओर से मान्यता के लिए भी नहीं भेजा गया, परंतु इस संस्था की ओर जो नागपुर जिले के अन्य नगर परिषद के प्रस्ताव थे उस पर कार्यवाही की गई। खासकर बुट्टीपुरी इस नवनिर्मित नगर परिषद क्षेत्र में भी पट्टे वितरण गिनती की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इससे वाड़ी में दलित व गरीब जनता के इस प्रस्ताव की ओर जानबूझकर दुर्लक्ष किए जाने का आरोप बसपा ने लगाया है। क्षेत्र के आमदार समीर मेघे को बुट्टीपुरी के प्रस्ताव पूर्व वाड़ी का प्रलंबित प्रस्ताव नजर नहीं आया तथा इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई भी प्रयास उनके द्वारा नजर नहीं आ रहे हैं। विषय की गंभीरता को देखते हुए बसपा के नगर सेवक व पदाधिकारियों ने अब एक शिकायत निवेदन मुख्याधिकारी, जिलाधिकारी, आमदार, सांसद, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री आदि को प्रस्तुत कर 7 दिन के भीतर जांच व कार्यवाही की मांग की है। इस कालावधि में कार्यवाही नहीं होने से पक्ष की ओर से आंदोलन व बेमुदत अनशन करने की चेतावनी जारी की गई है। आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से वाड़ी पत्रकार संघ के कार्यालय में वाड़ी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी झोपड़ पट्टियों को मालकी हक के पट्टे मिलने चाहिए, इस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वर्ष 2015-16 में वाड़ी नगर परिषद के सभागृह में बसपा के नगर सेवकों द्वारा वाड़ी वासियों को मालकी हक के पट्टे मिलने चाहिए, इस संदर्भ में विषय को रखा गया था और उस विषय को लेकर सभागृह में बहुमत से वो प्रस्ताव पास हुआ था और वाड़ी के मुख्याधिकारी ने माननीय जिलाधिकारी एवं राज्य शासन इनको वो प्रस्ताव भेजा था। लेकिन इस 4 साल के दौरान हमें ऐसा ध्यान में आया कि वाड़ी नगर परिषद के माध्यम से उस विषय को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखी। अब वो गंभीरता क्यों नहीं दिखी ये समझ के बाहर है, क्योंकि वाड़ी नगर परिषद ने जिस एजेंसी को ये काम दिया था उस एजेंसी के श्री राजेश मिश्रा जी ने उस एजेंसी के माध्यम से वाड़ी संभाग में आने वाली सभी झोपड़पट्टियों के लोगों से 100-100 रुपये लेकर उनसे फॉर्म भरवाए, उनकी फ़ोटो निकाले और फ़ोटो निकाल कर ये प्रस्ताव हम लोग तैयार करते हैं कि जैसे ही वाड़ी में पट्टे मिलेंगे तो हम ये प्रस्ताव शासन को देंगे और घरकुल की जो योजना है, जो राज्य शासन की जो रमाई योजना है, केंद्र शासन की जो 15 प्रधान आवासीय योजना है, इस योजनाओं का लाभ हम इन गरीब लोगों को देंगे। हमको बहुजन समाज पार्टी ने अब इस संदर्भ में एक आंदोलन की भूमिका ली है और हमने शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को,
सभी लोक प्रतिनिधियों को, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय है, जिसमें पालक मंत्री है, जिसमें खासदार है, आमदार है, जिलाधिकारी है, SDO है, भूमि अलेख अधिकारी है, इन सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन के माध्यम से हमारी भूमिका हमने वहाँ पे रखे और हमने उनसे विनंती किए कि आने वाले 7 दिन के अंदर में अगर आपने इस विषय को अगर पूर्ण रूप से अगर मार्गी नहीं लगाए, उसको अगर अंजाम तक नहीं पहुँचाए, तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले 7 दिन के अंदर में ये इस विषय को लेकर वाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और ये आंदोलन हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक वाड़ी वासियों को पट्टे नहीं मिल जाते, तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। INBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।